इसराइल हमास के बीच जंग बढ़ती ही जा रही है। हमास के इसराइल पर हमलों के बाद भड़का इसराइल अब हमास पर ताबड़तोड़ हमला करने में जुटा हुआ है। दोनों ही देश एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को शुरू हुई इस जंग को आज 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास का मानना है कि रूस इसराइल के साथ सैन्य संघर्ष को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक्सटर्नल रिलेशन के प्रमुख अली बराका ने कहा है कि हमास को रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर पूरा भरोसा है, इसलिए हम संघर्ष को सुलझाने में रूसी मध्यस्थता का स्वागत करेंगे। इतना ही नहीं, बराका ने आगे कहा कि हम अरब देशों में से किसी एक से रूसी राजनयिक के साथ संभावित बैठक के लिए तैयार है और हम उनके प्रयासों का स्वागत करते हैं। इस सब के बीच रूसी राष्ट्रपति ने भी हाल ही में जंग का हल निकालने पर बड़ी बात कही थी। पुतिन ने कहा था कि रूस फिलिस्तीन इसराइल समझौते में मदद कर सकता है, क्योंकि उसके संघर्ष के दोनों पक्षों के साथ संबंध है। पुतिन ने कहा कि रूस यह कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 15 वर्षों में इसराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और फिलिस्तीन के साथ पारंपरिक संबंध, इसलिए किसी को भी हम पर संदेह नहीं होगा। हमास और इसराइल के बीच जारी इस जंग में दोनों देशों के लगभग 3,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें इजरायली लोगों की संख्या 1,300 से अधिक बताई गई है, जबकि गाजा पट्टी में 1,900 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है।